तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मा फ्रेंड पर। बढ़ा हुआ वजन यानी मोटापा तब कष्टप्रद हो जाता है जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या के सामान्य कार्यों को आसानी से ना कर सकें, कपड़ों की चॉइस ऑप्शन कम होने लगे और मेनली लोग नोटिस करने लगे। आप सभी जानते हैं कि मोटापा यानी कि फैट, शरीर में फैट का जमा होना, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि मेडिकल साइंस की दुनिया से टेक्निकल टर्म्स के रूप में इसे सेलुलाइट कहा जाता है। सेलुलाइट दरअसल हमारे त्वचा के नीचे कनेक्टिव टिश्यू और फैट से जमा हुए पदार्थ को सेलुलाइट कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से कुछ एरियाज में जमा होता है। धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़कर के जमा होने लगता है। जो प्रमुख एरियाज हैं उसमें थाइस, हिप्स, बुटॉक्स एंड एब्डोमेन होता है। तो फैट ही नहीं बल्कि सेलुलाइट को कम करने के कई उपाय मौजूद हैं, जिनमें से एक है स्लिमिंग ऑयल। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्लिमिंग ऑयल के बारे में वो सारे एंगल्स जो आपके लिए जानना जरूरी है। प्लीज बने रहिएगा अंत तक। स्लिमिंग ऑयल का मतलब है कि पतला करने वाला तेल, मतलब एक तेल है जिसे आपको शरीर के इफेक्टेड एरिया में लगाना है और वो सेलुलाइट पर प्रहार करके उसे कम कर देगा। मार्केट में कई तरह के स्लिमिंग ऑयल मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी को परचेस करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले हमें जानना जरूरी है उसका फॉर्मूला और कंपोजिशन। एक आदर्श यानी कि आइडियल स्लिमिंग ऑयल में ये इंग्रेडिएंट्स होना बेहद जरूरी होता है। नंबर वन पर है टर्मरिक ऑयल यानी कि हल्दी का तेल। ये हम सब बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए यानी कि विष हरण करने के लिए हल्दी यानी कि टर्मरिक कितनी असरकारक होती है। दरअसल इसके पीछे का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है हल्दी में मौजूद क्यूर्क्यूमिन नामक पदार्थ में। क्यूर्क्यूमिन शरीर में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बेहद असरकारक होता है, और जब हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो हमारे शरीर को फैट को यानी कि सेलुलाइट को बर्न करने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर दो और तीन पर मौजूद है आंवला और हरड़ ऑयल। हमारे शरीर में फैट डिपोजिशन, सेलुलाइट का जमा होना, मोटापे के बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पुअर मेटाबॉलिज्म, पुअर डाइजेशन प्रोसेस, या फिर कहें कमज़ोर पाचन क्रिया। हरड़ और आंवला ऑयल में मौजूद फ्लेवोनॉइड, टैनिंस और पॉलीफिनॉल जैसे कंपाउंड्स इस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं, जिससे कि फैट भी अपने आप कम होने लगता है और कम जमा होता है। नंबर चार और पाँच पर मौजूद है लेमन और पुनर्नवा ऑयल। हम जब भी कोई चीज़ खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं तो वो मेटाबोलाइज होती है, उससे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं जिससे कि टॉक्सिन्स भी बनते हैं। लेमन और पुनर्नवा ऑयल में मौजूद सिट्रिक एसिड और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोनेंट्स इस मेटाबॉलिज्म को से उत्पन्न हुए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट टॉक्सिन्स को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छा होता है और फैट भी अपने आप बर्न होता है। साथ ही साथ इस तरह के इलेक्ट्रोलिक कंपोनेंट्स से हमारा शरीर दिन भर एक्टिव भी रहता है यानी कि ऊर्जावान भी रहता है। नंबर छः पर है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी का हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी नाम है गुल मेहंदी। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसे खाद्य सामग्री जिनमें कि बेहद ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और शुगर होता है, ये सामग्री हमारे आज की लाइफस्टाइल में दैनिक दिनचर्या में बड़ी ही आसानी से शामिल है, जैसे कि जंक फूड वगैरह। दरअसल ये जंक फूड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे वो कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन टोन्ड रहती है, टाइट रहती है। एक बड़ी सी आसान सी बात है जो कि मेडिकल साइंस की दुनिया से है कि जब फ्री रेडिकल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं तो इंसान की एजिंग बढ़ जाती है, यानी कि वो बूढ़ा होने लगता है, यानी कि बूढ़े होने की जो निशानी है वो फ्री रेडिकल का अत्यधिक डैमेज भी होना है। तो मोटापे और सेलुलाइट के जमा होने की स्थिति में फ्री रेडिकल्स का डैमेज होना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो रोजमेरी ऑयल इस चीज़ को बचाती है, क्योंकि रोजमेरी ऑयल एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को बचा लेती है। और नंबर सात पर है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में मौजूद पॉलीफिनॉल्स, शुगर और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट डिपोजिशन के साथ साथ जो फैट है उसको बहुत तेजी से बर्न करता है। तो ये थे वो सात चमत्कारी इंग्रेडिएंट्स जो कि एक आइडियल स्लिमिंग ऑयल में मौजूद होना चाहिए। अब इन सभी के गुण जानकर के आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि स्लिमिंग ऑयल कैसे कार्य करता होगा, क्योंकि उसे पी तो सकते नहीं हैं। तो दरअसल इसके पीछे का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है ट्रांसडर्मल परमिएशन।
अगला सवाल जो आपके मन में मौजूद होगा कि मार्केट में ऐसा फिर कौन सा स्लिमिंग ऑयल मौजूद है जिसमें कि ये सातों का कॉम्बिनेशन हमको मिल सके, तो उसका उत्तर है कंपनी मार्स बाय जीएससी के स्लिमिंग ऑयल में, जिसमें कि आपको ये सातों इंग्रेडिएंट्स दैट इज द टर्मरिक ऑयल, हरड़, आंवला, लेमन, पुनर्वा, टी ट्री एंड रोजमेरी ऑयल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस्तेमाल करने की विधि बेहद ही सिंपल है। इफेक्टेड एरिया में आपको 10 से 15 मिनट लगा करके मसाज करना है और उसके बाद 10 मिनट तक गर्म टॉवल से ढक करके रखना है। गर्म टॉवल से ढकने का दैट इज आपको टॉवल को एक गर्म पानी में सोक करना है और अफेक्टेड एरिया में 10 मिनट तक मसाज करने के बाद ढक करके रख देना है, क्योंकि ये 10 मिनट वो होंगे जब ट्रांसडर्मल परमिएशन का कार्य हो रहा होगा। मार्स बाय जीएससी के स्लिमिंग ऑयल को रिकमेंड करने के पीछे, मेरे रिकमेंड करने के पीछे एक मुख्य वजह ये भी है कि इस तरह के उत्पादों का निर्माण करने के लिए कई तरह के एक्सीपिएंट, मतलब फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटोसेटिकल्स की दुनिया से एक शब्द है एक्सीपिएंट, यानी कि अतिरिक्त सामग्री जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगती है, वो दरअसल इस्तेमाल करना इस्तेमाल की जाती है, जिसमें से कुछ सामग्री बेहद हानिकारक होती है जैसे कि पैराबेंस वगैरह। तो मार्स बाय जीएससी का ये प्रोडक्ट इन सभी से पूर्णतः मुक्त है, तो उपयोग करने पर त्वचा संबंधी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर कंपनी मार्स बाय जीएससी के स्लिमिंग ऑयल को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक करके उस पर डिस्काउंटेड प्राइस पर से परचेज कर सकते हैं। तो ये था एक एक्सक्लूसिव वीडियो स्लिमिंग ऑयल के ऊपर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो के दौरान मैंने मेडिकल साइंस की कुछ टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया था, दैट इज फ्री रेडिकल डैमेज, ट्रांसडर्मल परमिएशन इत्यादि, जिनका विवरण थोड़ा समय लेता है, इसलिए वीडियो लंबा होकर के आपका समय ना ले इसलिए उन पर चर्चा नहीं की। इस संदर्भ में अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उनके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आऊँगा। तो स्लिमिंग ऑयल के ऊपर ये था एक एक्सक्लूसिव वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चलता हूँ बस, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।